हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा जो लोग अभी लैटविया आ गए हैं या जिनका वीज़ा आ चुका है और लैटविया आने वाले हैं। आई होप आपकी आगे की जर्नी अच्छी रहे एंड जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप लाइफ में अचीव करें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जब आपको वीज़ा मिलता है, कुछ कंट्रीज़ को वो 90 डेज़ का मिलता है लैटविया का वीज़ा एंड कुछ कंट्रीज़ को वो 1 मंथ का मिलता है, जिसे आपको चेंज करवाना पड़ता है टेम्पररी रेजिडेंस परमिट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टेम्पररी रेजिडेंस परमिट में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या प्रोसेस होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप आते हैं लैटविया एंड लैटविया आके आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है इमिग्रेशन में सबमिट करने होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद आपका आता है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, वो फ़ोटो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे लगानी है। देन आता है आपका स्टडी एग्रीमेंट। स्टडी एग्रीमेंट आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ओरिजिनल एक कॉपी मिलेगी, उसकी आप फोटो कॉपी करा लें और ओरिजिनल कॉपी जो है आप डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा दें और एक फ़ोटो कॉपी जो है आप अपने रेफरेंस के लिए रख लें। देन आता है आपका रेंटल एग्रीमेंट। रेंटल एग्रीमेंट में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी का कोई हॉस्टल में रहते हैं तो आपको वहाँ से यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप कोई अकोमोडेशन लेते हैं तो वहाँ से आपको ओनर से बात करनी पड़ेगी कि आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस को आपको इमिग्रेशन में डिक्लेयर कराना है, तो वो अगर वो डॉक्यूमेंट देते हैं तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाना है। फिर आता है पासपोर्ट की आपको फ़ोटोकॉपी लगानी है। देन आपको अपना जो कि है बैलेंस सर्टिफिकेट, आपको बैलेंस सर्टिफिकेट लगाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन हो। एंड उसके बाद आता है आपका पीसीसी, जो कि आपको अपनी होम कंट्री की पीसीसी लगानी है। एंड लास्ट में आता है कि पेमेंट प्रूफ ऑफ स्टेट फी। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उसका एक डिसीज़न होता है। ये डिसीज़न जो है ऑब्टेन करने के आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि अगर आपको वो 30 डेज़ में चाहिए तो आपको 70 यूरोस पे करने होते हैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको ये 10 डेज़ में चाहिए तो आपको 200 यूरोस पे करने हैं। एंड लास्ट ऑप्शन होता है अगर आपको 5 डेज़ में डिसीजन चाहिए तो आपको 400 यूरोस पे करने पड़ते हैं। तो आप जो भी ये अमाउंट पे करते हो, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और जो अमाउंट पे करते हो उसका भी आपको प्रूफ इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना पड़ता है और इमिग्रेशन में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट मास्टर्स के लिए आए हैं या डॉक्टोरियल करने आए हैं उनको फर्स्ट ईयर में स्टेट फी नहीं देनी पड़ती अगर आप नॉर्मल 30 डेज़ वाला डिसीज़न लेते हो। तो जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में सबमिट करते हो उसके बाद आता है आपका डिसीज़न। डिसीज़न के अंदर जो है कि मेंशन होता है कि अगर आपने जो पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं अगर उनमें कुछ इश्यूज़ है या करेक्शन है तो उसके बारे में मेंशन होगा। उसके बाद आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, लाइक आपका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे आप करवा सकते हैं MFD से, जो आपको कॉस्ट करेगा 15 या 20 यूरोस के अराउंड आपको वो कॉस्ट करेगा। एंड आप अपनी बायोमेट्रिक डेट पर जाते हो एंड बायोमेट्रिक पे जब आप जाओ तो अपना पासपोर्ट ज़रूर लेके जाएं एंड साथ में अपना डेबिट कार्ड लेके जाएं, बिकॉज वहाँ पे जो है कैश जो है एक्सेप्ट नहीं होता, ओनली कार्ड से ही आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप वहाँ जाएंगे बायोमेट्रिक पे, तो आपकी बायोमेट्रिक होती है, आपकी फ़ोटो क्लिक होती है। उसके बाद वो आपको ऑप्शन देते हैं कि जो आपको अपना टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट या टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, अगर आपको 2 डेज़ में चाहिए अपना वो कार्ड तो उसके लिए आपको 30 यूरोस पे करने हैं। अगर वही कार्ड आपको 10 डेज़ में चाहिए तो आपको 15 यूरोस पे करने होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप जो है ले सकते हैं और उसकी पेमेंट आप अगर सेम डे भी कर सकते हैं जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक है, वरना जब आप कार्ड कलेक्ट करने आएंगे तो आप उसकी पेमेंट तब भी कर सकते हैं। तो जो आप पेमेंट आपने एक डेट ले ली तो उस डेट को आपको अपना कार्ड कलेक्ट करना है। तो अब बात करते हैं, जब आप कार्ड कलेक्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको बोलते हैं हम इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस के लिए आप BTS से करवा सकते हैं, जो कि आपको कॉस्ट करेगा 33 यूरोस के अराउंड में। एंड वो आपको इंश्योरेंस जो है उसमें ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जैसे अगर आपको कार्ड 26 को लेने जाना है तो आपके जो इंश्योरेंस है वो 25 से स्टार्ट हो जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। ये काइंड ऑफ आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। फिर आप जाते हैं अपना कार्ड लेते हैं एंड कार्ड की आप पेमेंट अगर पहले करिए तो ठीक है, वरना आप तब पेमेंट करते हैं। एंड उसके बाद आपको अपना एड्रेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा। पड़ता है। उसको रजिस्ट्रेशन कराने की एक फ़ीस होती है, वो अराउंड 5 यूरोज़ होती है, वो आपको फ़ीस पे करनी है। और अपना एड्रेस जो है आपको रजिस्टर कराना है। देन आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। जैसे ही आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं अपना, एंड उसके बाद आप जो मर्जी जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट प्रोसेस टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट की। आई होप आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी, एंड आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी अपना टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।